शिकायत नहीं होनी चाहिए। कोई कोई बोलता है नहीं करा, आपको तो वैसे क्या दिक्कत है, आप अपना काम तो कर रहे हो आराम से। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? झारखंड का रहना। झारखंड, झारखंड का राजधानी हो गया रांची। वहीं से हो? जयपुर में कब से हो? जयपुर में पहले मैं 1984 से थे, बीच में 15 साल गांव में ही रह गए, फिर आए। 84 में पहले आए थे, 84 से अभी तो बहुत बदल गया। बहुत ये कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, खाली पेड़ था इस रोड पे, कुछ भी नहीं था अजमेर जाने के लिए। 84 को तो कितना साल हो गया यार? बहुत साल हो गया। जब मैं 13-14 साल का था। अच्छा, अब क्या आपकी उम्र कितनी हो गई? 50 हो गया। 50 साल हो गया। 50 हो गया। और उस टाइम कितने दिन के लिए आए थे, कितने दिन रुके थे? 84 में आए थे, चले गए थे तुम्हारे? नहीं, टाइम रहे थे करीब हम 7-8 साल। अच्छा, उस टाइम 7-8 साल। उस टाइम ये रिक्शा था क्या? नहीं, रिक्शा तो अभी आया है। उस टाइम चाय का दुकान था मेरा। चाय का दुकान कहाँ पे? अभी भी है, सिस्किन में। सिस्किन? अच्छा, वो तब का अभी भी है? अच्छा, वो तो ठीक चल रहा होगा फिर। हाँ, ठीक ठाक होगा। तो उसको भी आप ही संभालते हो या कौन? बच्चे बच्चे? नहीं, मेरा छोटा जीजा जी संभाल रहा है। जीजा जी? हाँ, उसी को लगा दिए अभी। अच्छा अच्छा, जीजा जी के नाम कर दिया हो? नाम क्या, फूड पॉइंट पर है। उसी को संभाल दिया, उन्हीं के अंडर में है। हाँ, आप तो ये करने लगे। हाँ, तो ये भी अपना होगा? नहीं, ये किराए का है। अच्छा, ये किराए का चला रहे हो? इतनी साल से हो, फिर किराए का क्यों लिया, अपना नहीं लिया? पैसा कहाँ हम लोग, उतना आएगा साहब? नहीं जमा, पैसा नहीं जमा, हम लोग तो कमा के खाने वाले हैं। हाँ, ये तो है ही, करना कमा के खाना है, सही बात है। हो जाता भी ठीक है, किराया देते हैं 400 रुपया, 400-500 अपना बन जाता है। अच्छा, 400-500 किराया हो जाता है? किराया देना पड़ता है 400 रुपया प्रत्येक दिन। पर दिन का? हाँ, क्यों, इतना थोड़ी है, कम होता है ना इसका तो? नहीं, यही लेगा, चार्ज वही करके देता है। अच्छा, चार्ज भी उसी का ही है। 400 रुपये पर देगा तो चार्ज तो कितना, 100 रुपये लगता है चार्ज का? जो लगे अपना वो करके देता है, वही करके देगा सब। खराब वराब हो गया तो वही उसी का ही काम है सब। अच्छा, तो आपके तो मतलब चलाना ही है बस, कमाना है। 400 के ज़्यादा पड़ गया वो आपका है। तेल वेल इसमें कुछ डालना नहीं है, हो जाती है दाढ़ी बढ़ जाती है। 400-500, कभी 550, कभी 300 को गारंटी नहीं है। 300-400-500 बना ही लेते हो? हाँ, उसको दे करके। हाँ, उसका भी निकल जाता है, आपका भी हो जाता है, आधा आधा हो जाता है तकरीबन। 400 उसको देते हो, 400 की बचत पकड़ के चले तो आधा आधा हो जाता है। हाँ, ठीक है जी, तो ना उतरता हूँ तो बंद कर दिया। सही आ रहा है? सही है, ठीक, रिकॉर्डिंग चल रहा है? हाँ, ठीक रहे ना, सब कुछ साफ साफ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये याददाश्त हो जाता है ना, बाद में कभी भी इसको देखेंगे, ये ब्रिज शायद बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इधर ये बिल्डिंगें कुछ चेंज हो जाएंगी, इधर ये मेट्रो चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ होता है ना। उस टाइम आप बनाते तो दर का दरका दिखते भी आपको, लेकिन अभी तो सब कुछ चेंज हो गया। हाँ, इधर किधर छोड़ देना, ये चौक से इधर मैं निकल जाऊँगा, रेलवे स्टेशन जाएंगे आप? चलो रेलवे स्टेशन चलो, आपके साथ चलता हूँ, रेलवे स्टेशन तक चलते हो, कोई बात नहीं। मेरे को तो घूम के आना, मैं तो घूमता हूँ। ये चलो आ गया, सॉरी आ गया, हसनपुरा मंडी नहीं, आ जाओ साहब, और मिटवा शालीमार हॉस्टल आ जाओ साथ। हाँ, बड़े हाँ, वहीं उतारूंगा, 10 रुपया अमरापुरा के सामने जाएगा बिल्कुल। अमरापुरा के सामने MI रोड हो गया हॉस्टल का। हाँ सर, सही बात।
उत्तराखंड में गया था एक बार आपका रांची। अच्छा। मैं उधर से आया था कलकत्ता से, तो रांची भी रुका था और फिर रांची से पटना, कितना दूर है पटना आया था, मैं गया आया पटना आया ऐसा था। अभी गए थे फिलहाल या अभी? हाँ पहले पिछला साल। हाँ रांची भी रुका था मैं और पटना भी रुका था और फिर यूपी में आ गया था, इलाहाबाद कानपुर ये सब होते हुए वाराणसी। और कलकत्ता में कहाँ रुके थे? कलकत्ता में हावड़ा में ही था, हावड़ा। हाँ हावड़ा ब्रिज जहाँ शुरू हो रहा है रेलवे स्टेशन, जो हावड़ा रेलवे स्टेशन है वहीं पे बस। चार साल में वहाँ काम किया। कहाँ पे? बड़ा बाजार। कहाँ पे? बड़ा बाजार। बड़ा बाजार, बड़ा बाजार तो आपका आगे रह गया ना, हावड़ा क्रॉस करके आगे। हाँ कौन सा है वो, उसको क्या बोलते हैं, खत्म हुआ हावड़ा का बड़ा बाजार क्या लगा? हाँ कौन सा मार्केट है उसको बोलते हैं, कौन सा रोड है, जी टी रोड या क्या उसको बोलते हैं? बर्मन रोड नहीं, बर्मन नहीं, दूसरा एक और कौन सा है वो हावड़ा के बाद में, बर्मन तो आप ये साइड में बात करें, हावड़ा जिधर है हावड़ा स्टेशन है उधर की बात करें? नहीं आगे आगे क्रॉस करके। हाँ हाँ तो आगे का रोड का मैं नाम भूल गया, एक महात्मा गांधी रोड है एक बर्मन रोड है, जी टी रोड मेरे को ऐसा लगता है, एम जी रोड महात्मा गांधी रोड। अच्छा अच्छा एम जी वही। हाँ महात्मा गांधी। हाँ तो मेरे को महात्मा गांधी नहीं पता था, मेरे को एमजी पता था, एमजी रोड। और फिर आगे वो आपका कौन सा स्टेशन आ जाता है, एमजी रोड में सीधा सीधा चलते हैं तो आपका इधर लेफ्ट साइड में स्टेशन आता है ना मेट्रो का? नहीं ये जो स्टेशन दूसरा है रेलवे स्टेशन। हाँ वो सियालदा। सियालदा, सियालदा पर मैं सियालदा तक जाके आया था, सियालदा में उतर के और फिर मैं मेट्रो पकड़ा था, तो सियालदा से फिर वो इधर ही वो कॉलेज है उसी से अंदर गलियों से तो अंदर वो फिर दूसरे जो वो जो धंधे वाले जो लोग हैं उनकी भी बीच में आ जाती है एक दो गलियाँ, मैं तो ऐसे ही उधर से आ रहा था तो उनकी गलियाँ आ गई, वो मेरे को दिखी तो मैंने कहा ये क्या यार, फिर आगे जाके वो जूस वाला जो गन्ने का जूस था उस टाइम, ये था ना गर्मी का टाइम तो गन्ने का जूस चल रहा था, तो उससे भाई से जूस पिया, उसको पूछा तो बोलता हाँ ये टमाटी पूरा बड़ा है और ये यहाँ छोटा ऐसा उसने बोला है, मैंने कहा मैं तो इधर से आ रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ कुछ हो रहा है, और सब बाहर खड़ी होती है ना ऐसा। आज भी कलकत्ता में 30 रुपये में भरपेट खाना लोग खा लेगा, अच्छा खाना, चावल वगैरह। हाँ चावल, दाल चावल, बच्चे बच्चे तो नहीं आएगा 20 रुपये में, शायद आ जाएगा नहीं होगा आप लोग 60 रुपये में आके खा ले, 60 में हो जाएगा मच्छी चावल वगैरह सब। आपके उधर भी वही चावल चलता होगा? ज़्यादा तो चावल ही, ज़्यादा चावल चलता है इंडिया में, ज़्यादा चावल ही चलता है, और इवन इंडिया क्या दुनिया में ज़्यादा चावल चलता है, रोटी तो अपने देश में ज़्यादा चलता है, बाहर के लोग आते हैं उनको पता ही नहीं कि रोटी क्या होता है, चपाती क्या होता है, तो चाव करके खाते हैं। हमारे गांव में दिन में चावल रात में रोटी। अच्छा ऐसा है कि एक टाइम रोटी खाते हो दिन में? हाँ अच्छा, तो बिहार में शायद दो दो टाइम चावल खाते हैं, बंगाल में दो दो टाइम चावल खाते हैं, ऐसा कुछ है? चावल रोटी सभी खाते, सभी खाते हैं, मतलब रोटी भी चलता है। झारखंड तो उड़ीसा के पास ही हो गया ना, उड़ीसा भी आपका नेबर है ना, पड़ोसी हो गया ना। हाँ उड़ीसा। उड़ीसा छत्तीसगढ़ सब पड़ोसी हो, पड़ोसी हो गया, और बिहार भी लगता है, बिहार से तो झारखंड। हाँ बिहार से तो बना हुआ, सही है। बिहार का एक टुकड़ा हो गया मतलब। हाँ झारखंड वैसे बहुत खनिज देश है सब राज्य। हाँ खनिज ज़्यादा है लेकिन वहाँ का राजा ढंग से नहीं मिल पा रहा है। ओह अच्छा अच्छा, जिस दिन अच्छा राजा बैठ गया कोई राजनेता जो है वो। हाँ अभी मंत्री कौन है, अभी कौन है
अभी तो हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन हाँ बाबूलाल मरांडी का नाम सुने होंगे बाबूलाल मरांडी हाँ नेता था बड़ा अभी भी है बड़ा उन्हीं का घर के अच्छा उधर है तो वो कहाँ रहते हैं वो तो रांची में रहते हैं ना ये उनका गांव में है गांव में ज़्यादा फार्मिंग करते रहते हैं अपना फिर अच्छा गांव है उनका तो उनका गांव आपका गांव एक ही है एक ही है अच्छा तो उनसे तो मुलाकात हुई होगी आपकी कई बार हाँ बैठते उठते हैं अच्छा अच्छा तो एक गाँव के ही हैं तो कोई काम पड़ा तो चल भी जाते हैं हाँ सही बात बाबूलाल मरांडी कौन सी पार्टी है वो बीजेपी में था शुरू से अच्छा मुख्यमंत्री जब बना बीजेपी में थे छोड़ के उसने अपना पार्टी बनाया मुख्यमंत्री बनने के बाद या बनने से पहले नहीं बनने के बाद अच्छा फिर विलय करके फिर भाजपा में चले गए फिर बीजेपी के साथ ही अभी भी है क्या राजनीति में हाँ बाबूलाल मरांडी बड़ा बड़ा चेहरा अगर अगर बीजेपी की सरकार वहाँ बनी तो मुख्यमंत्री वही बनेगा अच्छा अच्छा की पकड़ होती होगी ना मतलब पार्टियों के साथ में अच्छी पकड़ होती है तो हाँ अपनी पार्टी है फिर भी बीजेपी बीजेपी की आएगी तो उनको उनको बनाएंगे हाँ चलो ये अपना आ गया पर्यटन भवन HDFC बैंक गोपाल बाड़ी ब्रांच आपको सब पूछे साहब आप कहाँ से मैं तो हूँ यहीं से राजस्थान से अच्छा जयपुर से ही हूँ वैशाली में मैं रहता हूँ अच्छा और ऐसे ही बस घूमते फिरते चला जाता हूँ कहीं ना कहीं घूमते घूमते जन इसको यहीं पे रोक देते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग